मेरे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं एक बेहद खास मेहमान, गोल्डीलॉक्स प्रीमियम रिसर्च के फाउंडर और चीफ स्ट्रेटेजिस्ट गौतम शाह साहब। गौतम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद आज हमें समय देने के लिए। सबसे पहले सर, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज दिख रही पिछले हफ्ते भर का ऑब्जर्वेशन है, चाहे अमेरिका का हो चाहे हमारा हो, बुरी खबरों पर बाजार गिरने से इनकार कर रहे हैं, इस संकेत को कैसे पढ़ते हैं आप? गुड मॉर्निंग सिंघवी जी, आई थिंक ये एक ट्रैप है। आई थिंक मार्केट आपको एक फील और एक ऑब्जर्वेशन दे रहा है कि सब कुछ ठीक है दुनिया में, फाइनेंशियल मार्केट अच्छे रहेंगे, स्ट्रांग रहेंगे। पर मेरा ये मानना है कि वो जो 900 पॉइंट की जो करेक्शन आई थी 20,200 से 19,300 का, आई थिंक उसका ये पुल बैक था और ये एक नॉर्मल सा पुल बैक है। इस पुल बैक में हमने कोई बड़ा पार्टिसिपेशन देखा नहीं। HDFC बैंक और रिलायंस जैसे शेयर अभी भी लैंग्वेज कर रहे हैं, तो ऐसी कोई पॉजिटिव ट्रिगर्स है नहीं चार्ट्स में। इनफैक्ट पिछले 5 महीनों में हर बार जब भी कोई पुल बैक था तो हमने एक बुलिश स्टांस मेंटेन किया और हमने ये मेंटेन किया कि बाय ऑन डिप्स। इस बार पहली बार 5 महीनों में हमने एक सेल ऑन रैली स्टांस मेंटेन किया है। हम मार्केट्स पे कॉशियस है, सेटअप काफी खराब हो चुकी है। अगर आप वीकली और मंथली चार्ट्स को देखें तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से बाजार नीचे की तरफ ज्यादा घूम सकता है और ऊपर की तरफ 19,850 से 19,900 का जो जोन है वो एक बहुत बड़ा रेसिस्टेंस रहेगा। सो हमें थोड़ा सा मार्केट अनकंफर्टेबल लग रहा है, वीकनेस लग रही है कि वापस यहाँ से आ सकती है। और जिस तरह का अभी हम दुनिया में अभी है, कुछ भी कभी भी हो सकता है, तो इसके चलते थोड़ा सा कंजर्वेटिव रहिए। और नीचे में अगर 19,730 का लेवल ब्रेक करता है तो वापस निफ्टी नीचे की ओर जा सकता है। और ग्लोबल मार्केट चार्ट्स को भी अगर आप देखें, US मार्केट देख लीजिए, यूरोपियन मार्केट देख लीजिए, तो वो सब धीरे धीरे खराब ही हुए हैं। और जो मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स है वो तो एक रेंज में रहे हैं पिछले 2-3 हफ्ता, मेरे हिसाब से उसमें ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है। बहुत सेलेक्टिव स्टॉक्स में अभी स्ट्रेंथ है, IT में जाइए, फार्मा में जाइए, ऑटो में जाइए, बट निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू इस लेवल्स पे काफी नेगेटिव है। ओके, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताई कि बुरी खबरों पर बाजार रिएक्शन नहीं दे रहा, इसका मतलब ये नहीं कि तेजी का माहौल है, ट्रैप हो सकता है, थोड़ी सावधानी रखिए। ऊपर में 19,800 के आसपास के लेवल बड़े रुकावट वाले लेवल हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग लेवल बोला है गौतम जी ने, 19,430 के नीचे अगर जाता है तो ये कमजोर होगा। इस लेवल की इंपॉर्टेंस मैं बता दूं, अक्टूबर महीने में 19,430 का लो जो है वो क्लोजिंग बेसिस पे 19,436 है, तो उसके नीचे का 4 अक्टूबर का ये लो है क्लोजिंग बेसिस पे, उसके नीचे बंद होने पर मामला थोड़ा खराब हो सकता है। बैंक निफ्टी ऑलरेडी डबल टॉप बना चुका है, जिस तरह से 46,300-400 के आसपास दो बार हम पहुंचे और वहां से वापस घूमे, तो क्या क्या समझा जाए और इसका डायरेक्शन क्या है सर? देखिए, जैसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं द राइटिंग इज ऑन द वॉल, कि इसमें काफी वीकनेस है, इनहेरेंट वीकनेस है। HDFC बैंक इतना बड़ा स्टॉक हो गया बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए कि अगर ये सिंगल स्टॉक अगर नहीं चलता है ना तो पूरा बाजार पे वो प्रेशर आ जाती है। और बैंक निफ्टी एक वन ऑफ द फ्यू सेक्टर्स था मार्केट में जिसने नया हाई कॉन्फिडेंटली नहीं बनाया। सो क्लियरली ये रिलेटिव वीकनेस का बात था। बैंक निफ्टी वापस 44,000 का सपोर्ट तक गया, विच वॉज अ मेजर सपोर्ट, क्योंकि वो एक लोअर एंड ऑफ द रेंज थी और वहां से हमने छोटा सा बाउंस देखा। बट अब जब 44,000 ब्रेक करेगा, जो मेरे हिसाब से कर जाएगा, तब वहां से हो सकता है 4-5% की वीकनेस आ सकती है। तो बैंक निफ्टी और रिलायंस कलेक्टिवली इज द प्रेशर पॉइंट ऑफ द मार्केट, और जब ये जब तक संभलेंगे नहीं तब तक बाजार संभल नहीं पाएगा। और IT इंडेक्स में भी देखिए, इंफोसिस के रिजल्ट्स के बाद और थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है। TCS, HCL Tech, Tech Mahindra हमें अच्छा लगता है, बट इंफोसिस की अंडर परफॉर्मेंस के कारण IT इंडेक्स भी जिस तेजी से चलना चाहिए वो चल नहीं पाएगा। ठीक बात है, तो ओवरऑल दबाव वाला मामला ज्यादा दिख रहा है। एक और चीज जो परेशान कर रही है भारतीय बाजारों को वो है कच्चा तेल, वापस से क्रूड के दाम मजबूत हुए हैं, इसके चार्ट्स क्या कह रहे हैं? देखिए, NYMEX क्रूड का अगर आप देखें तो चार्ट तो ये अच्छा ही है, माने ये शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड में है। 78-80 डॉलर्स का जो लेवल है लॉन्ग टर्म सपोर्ट है, मेरे हिसाब से वो ब्रेक नहीं करेगा और यहां से धीरे धीरे NYMEX क्रूड 90-92 तक जा सकता है, और अगर वो निकलता है तो 105 तक भी जा सकता है, जो हमारा मीडियम टर्म व्यू है। तो अगर आप गोल्ड एंड सिल्वर का चार्ट देखें वो भी हम काफी बुलिश है। अभी जो जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स आई हैं उसके कारण उसमें भी हमने पिछले 5 दिनों में स्ट्रेंथ देखा। तो अगर आप सब चीज को ज्वाइन करते हैं, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, इक्विटी मार्केट, इंडिया वेक्स, डॉलर इंडेक्स, तो सबको अगर आप ये ज्वाइन करते हैं तो लग रहा है कि मार्केट एक कॉशियस टेरिटरी में अगले 2-4 हफ्ता रहेगा, मे बी इवन मोर।
गौतम जी, आपने तो काफी ये समय देखा होगा इलेक्शंस के पहले के साल में, जनरली वैसे भी सावधानी होती है, आप कह भी रहे, तो जनरली इलेक्शन के पहले जब किस तरह के मार्केट ट्रेंड करते हैं, किस तरह का ट्रेड उनका रहता है, स्पेशली 6-8 महीने अब जब बचे हैं इलेक्शन के लिए, तो यहाँ से इलेक्शन तक क्या फिर ठंडा ही रहेगा मार्केट, क्या ये मान के चलना ठीक है? लग तो रहा है वही कि सिग्विजी की ठंडा रहेगा, क्योंकि अगर आप वीकली और मंथली चार्ट्स में देखें तो पहली बार इस साल में ऐसी ट्रिगर आई है जो ये कह रही है कि मार्केट में अब कोई मेजर तेजी नहीं है। हो सकता है कि मार्केट ज्यादा गिरे नहीं, क्योंकि हमें ये भी समझना पड़ेगा कि 16,000 करोड़ का SIP अभी भी सिस्टम में हर महीने आ रहा है, एंड इंडिया इज स्टिल वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट्स इन द वर्ल्ड इन रिलेटिव बेसिस। तो ये फैक्टर्स के कारण मार्केट कोलैप्स भी नहीं करेगा, बट एट द सेम टाइम ऐसी ट्रिगर नहीं है जो मार्केट को ऊपर भी ले जाए। सो अगर आप ब्रॉडली पकड़े तो समझे नीचे में 18,500, ऊपर में 20,400-500, ये 2,000 पॉइंट का रेंज में अगर बाजार अगले दो दो चार महीने रह जाए तो मेरे हिसाब से ठीक लग रहा है। और इलेक्शंस देखिए इस बार तो और भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपने देखा है कि ऑपोजिशन क्या कर रहा है और असेंबली इलेक्शंस क्लोज आ रहे हैं, तो इस फैक्टर्स के कारण मार्केट में वॉलेटिलिटी जरूर रहेगी। जो रनअवे रैली हमने पिछले 3-4 महीनों में देखी वो अब नहीं रहना पड़ेगा, थोड़ा सा स्टॉक पिकिंग में मेहनत करना पड़ेगा। डिफेंसिव स्टॉक्स में रहिए, जैसे मैंने कहा IT, फार्मा, डायग्नोस्टिक स्पेस हमें काफी अच्छा लग रहा है, मेगा ट्रेंड लग रहा है, ऑटो में बने रहिए, ये सेक्टर्स में अच्छा पैसा बनेगा। ओके, परफेक्ट है, ऑटो में बने रहे यहाँ, ठीक है, फार्मा में बने रहे। अच्छा, दूर किससे रहना, डर कहाँ पे ज्यादा है? एक तो बैंक, समझ गया मैं आपकी बात। देखिए डर तो हाई बीटा में है, जो बाजार के साथ चले वही बाजार के साथ गिरे, तो बैंक निफ्टी क्लियरली वीक है, रिलायंस अभी भी काफी वीक है, कैपिटल गुड्स में प्रॉफिट बुकिंग कीजिए। मेगा रैली हमने पिछले 1-1.5 साल में देखी, यहां से मुझे लग रहा नहीं है कि वो सस्टेन करेंगे। तो कैपिटल गुड्स और FMCG दोनों सेक्टर्स है जहां मुझे लग रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी शॉर्ट टर्म के लिए डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, तो जहां जहां अच्छा पैसा बना है लोगों का वहां पर आप 10 साल मत सोचिए, पैसा लेके एक बार रिड्यूस कीजिए, कंजर्वेटिव हो जाइए, मार्केट आपको वापस अपॉर्चुनिटी देगा अगले 3-6 महीनों में। आपने जो कहा कि जहां ज्यादा पैसा बना है, ज्यादा पैसा तो सारा मिड कैप स्मॉल कैप में बना है, फिर एकदम प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। देखिए मैं मार्केट में 20 साल से हूं, मैंने 2003 से 2007 का भी रैली देखा और मैंने प्ले भी किया, मगर इस जिस तरह की मिड कैप रैली हमने पिछले 3 महीनों में देखी वो अनप्रेसिडेंटेड है। हर कोई स्टॉक चल रहा है, डेली हायर हाई, ऐसा ट्रेंड तो मैंने नहीं देखा, और जनरली इसको हम लोग टेक्निकल एनालिसिस के टर्म्स में मैडनेस बोलते हैं। और अब जिस तरह की ठहराव हमने मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में देखी, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर एग्रेसिव प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। और अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप में हैं तो ए क्वालिटी में रहिए, इस मार्केट में ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड डी से एकदम दूर रहिए। कुछ भी करेक्शन मार्केट में आएगा तो वो पिट जाएंगे और ग्रेड ए खड़ा रहेगा। इंडियन होटल्स, मैक्स फाइनेंशियल, पूना वाला जैसे स्टॉक्स हैं, अच्छे क्वालिटी, टॉप क्वालिटी ब्रांड्स एंड कंपनीज, वो खड़े रहेंगे, बाकी गिर जाएंगे। सर बहुत ही बढ़िया, अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया बाजार के डायरेक्शन को, थोड़ा सावधान रहे, ये राय गौतम जी की आती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए और बाजार के डायरेक्शन पे हमारे दर्शकों को बताने के लिए। गौतम शाह साहब गोल्डिलॉक्स के फाउंडर और चीफ स्ट्रेटेजिस्ट बताते हुए आपको बाजार पर अपनी राय। बढ़ते